नियम का सही क्रियान्वयन न होने का खामियाजा गरीब तबके के पढ़ने वाले बच्चों को और पालकों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं राज्य सरकार निःशुल्क शिक्षा की सौगात कहकर अपनी पीठ खुद ही थपथपा लेती है और वहीं अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में पढ़ने वाले इस सत्र के कक्षा 1 से 8 तक के गरीब बच्चों को अभी तक गणवेश, बस्ता, जूते और मोजे नहीं मिले हैं, जिससे पालकों को अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ रहा है, जबकि इनका शिक्षण और गणवेश शुल्क शासन स्कूलों को देता है। लिहाजा जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि ऐसा नहीं करने पर निजी विद्यालय पर कार्रवाई होगी। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि राजनांदगांव जिले में ना कानून का पालन हो रहा है, ना छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का आदेश का पालन हो रहा है। यहाँ पर शिक्षण शुल्क को छोड़ बच्चों को हर प्रकार की जो शुल्क है वो लग रहा है। ड्रेस, कॉपी, किताब, जूता, मोजा, परिवहन सब बच्चा जो है अपने पैसे से खरीद रहा है। पार्टी के तहत जितने भी हमारे जिले में स्कूल संचालित है और जहाँ पे बच्चों का प्रवेश हुआ है, उसमें शासन का निर्देश है कि सभी बच्चों को 1 से 8 तक यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तकें जो है प्रदान किया जाना है। अगर कोई भी विद्यालय, निजी विद्यालय इस तरह की सुविधाएं मुहैया नहीं करा रही है, उनके ऊपर कार्यवाही जो है किया जाए। इस सत्र में PP1 से लेकर 8वीं तक कुल 91 स्टूडेंट्स हैं, 91, उनको इस साल हम प्रोवाइड करने वाले हैं यूनिफॉर्म, जिसमें कि शामिल होता है टाई, बेल्ट, पैंट शर्ट और जूता मोजा, बुक्स और कॉपीज। तो कुछ दी जा चुकी हैं और कुछ 1-1 सप्ताह के भीतर सारी चीजें जो सुविधाएं हम देने की सोच रहे हैं या फिर जिसे जिन सुविधाओं को देने के लिए गवर्नमेंट ने कहा हुआ है, प्रशासन ने कहा हुआ है, 1-1 सप्ताह में सारी सुविधाओं को हम उपलब्ध कराने।